तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करते हैं Realme के दो डिवाइसेज यानी कि Realme C15 और Narzo 20 के कैमरे के बारे में, क्या क्या स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, परफॉर्मेंस दोनों ही डिवाइसेज के कैमरे की कैसी है और आपके लिए कौन सा कैमरा ज़्यादा बेहतर रहेगा। Realme C15 और Narzo 20 के कैमरे की बात करें तो Narzo 20 में आपको मिलता है रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप और C15 मिलता है आपको रियर पर क्वाड कैमरा सेटअप। सबसे पहले बात करते हैं Realme C15 के स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ रियर पर प्राइमरी कैमरा दिया गया 13 मेगापिक्सल का अपर्चर साइज f/2.2, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का एक ब्लैक एंड व्हाइट लेंस और एक 2 मेगापिक्सल का सपोर्टिंग कैमरा लेंस दिया गया है। 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ मिलता है फ्रंट कैमरा जिसका अपर्चर साइज है f/2.0। बात करें अपने Narzo 20 के बारे में तो यहाँ रियर पर प्राइमरी कैमरा दिया गया 48 मेगापिक्सल का अपर्चर साइज है 1.8, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस। फ्रंट पर आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जिसका अपर्चर साइज है 2.0। कैमरा फीचर्स की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेज में ऑटो HDR का ऑप्शन दिया गया है, दोनों में ही आपको क्रोमा बूस्ट का फीचर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा नाइट में फोटोग्राफी के लिए दोनों में ही नाइट मोड दिया गया है, अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है तो दोनों में ही अल्ट्रा वाइड फोटोज और अल्ट्रा वाइड वीडियोस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। पोर्ट्रेट मोड आपको दोनों में दिया गया है रियर और फ्रंट दोनों के लिए। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो स्लो मोशन एक्सपर्ट यानी कि प्रो मोड, टाइम लैप्स यानी कि फास्ट मोशन का ऑप्शन भी आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। अब Narzo 20 में आपको एक मैक्रो लेंस दिया गया है इसीलिए यहाँ पर आपको अल्ट्रा मैक्रो शॉट लेने का फीचर भी मिल जाता है, जबकि Realme C15 मैक्रो लेंस ना होने की वजह से यहाँ पर ऐसा कोई फीचर भी देखने को नहीं मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों ही डिवाइस से फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन Narzo 20 में आपको 60fps का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है जो कि आपको Realme C15 में देखने को नहीं मिलेगा। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो यह कुछ कैमरा सैंपल्स जो मैंने Realme C15 और Narzo 20 से ऑटो मोड पर बिना क्रोमा बूस्ट ऑन किए कैप्चर किए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले कलर्स की बात करें तो Narzo 20 में आपको व्हाइट बैलेंस का इशू देखने को मिलेगा, मतलब फोटोज़ के अंदर आपको अननेसेसरी येलो टोन शो हो सकती है, जबकि सेम कंडीशन में Realme C15 एकदम बेहतर परफॉर्म करता है। इसके अलावा कलर प्रोडक्शन की बात करें तो वो भी Realme C15 के फोटोज़ में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू Narzo 20। डायनेमिक रेंज की बात करें तो वो भी आपको Realme C15 में Narzo 20 की कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगी। इसके अलावा डिटेलिंग की बात करें तो वो आपको Narzo 20 में Realme C15 से ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है, मतलब अगर ऑटो मोड पर फोटोज़ की बात करें तो डिटेलिंग में Narzo 20 बेहतर है, बाकी के सारी चीज़ों में मुझे Realme C15 ज़्यादा बेहतर लगा। अल्ट्रा वाइड फोटोज़ की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेज यहाँ एकदम बेहतर परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर कलर्स की बात करें तो Realme C15 के फोटोज़ में आपको ज़्यादा बेहतर या फिर ज़्यादा पंची कलर्स देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू Narzo 20। इसके अलावा डायनेमिक रेंज भी मुझे Realme C15 के फोटोज़ में ज़्यादा बेहतर देखने को मिली एज कम्पेयर टू Narzo 20। रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो दोनों का ही एज डिटेक्शन काफ़ी कमाल का है, लेकिन डिटेलिंग के मामले में यहाँ Realme C15 आपको बहुत ज़्यादा निराश करता है। डायनेमिक रेंज की बात करें तो वो Realme C15 में काफ़ी बेहतर है, लेकिन कलर्स और स्किन टोन की बात करें तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो Narzo 20 के पोर्ट्रेट मोड आपको ज़्यादा बेहतर लगेंगे एज कम्पेयर टू Realme C15। फ्रंट कैमरे की बात करें तो कुछ ये परफॉर्मेंस आपको दोनों ही डिवाइसेस से देखने को मिलती है, थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। पहला तो Narzo 20 में आपको ओवर एक्सपोज सेल्फी देखने को मिलेंगी एज कम्पेयर टू Realme C15, यानी कि ब्राइटर देन नेचुरल सेल्फी आपको देखने को मिलती है Narzo 20 से। डायनेमिक रेंज की बात करें तो दोनों का ही बस काम चलाऊ परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिलती है, बाकी का सेल्फी में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा यहाँ से आप और अच्छा आइडिया ले सकते हो। नेचुरल सेल्फी आपको दोनों में से किसी भी डिवाइस पर देखने को नहीं मिलती और बहुत बड़ा डिफरेंस भी यहाँ देखने को नहीं मिलता। यहाँ आपके ओपिनियन पर डिपेंड करता है कि आपको इनमें से कौन सी सेल्फी पसंद आती है। पर्सनली मुझे यहाँ Realme C15 की सेल्फी ज़्यादा नेचुरल लगती हैं एज कम्पेयर टू Narzo 20। लो लाइट फोटोग्राफी की बात करें तो वहाँ भी Narzo 20 Realme C15 से बेहतर परफॉर्म करता है, और इसका मेन रीजन Narzo 20 का लोअर अपर्चर साइज हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो सेम लाइटिंग कंडीशन में आपको Narzo 20 से ब्राइटर फोटोज देखने को मिलेंगी एज कम्पेयर टू Realme C15। इसके अलावा लो लाइट फोटोग्राफी के लिए आपको Narzo 20 में नाइट मोड भी मिलता है, जबकि Realme C15 में ऐसा कोई फीचर देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑटो मोड पर ही जब Narzo 20 Realme C15 को बीट करता है तो नाइट मोड में आपको और एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है लो लाइट फोटोग्राफी के लिए, यानी कि लो लाइट फोटोग्राफी में Narzo 20 कम्प्लीटली Realme C15 से बेहतर है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो Narzo 20 में पहला बेनिफिट तो आपको 60fps का ही देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यह है दोनों ही डिवाइसेस के रियर कैमरे से रिकॉर्ड किया गया एक फुल HD का वीडियो सैंपल।
सबसे पहले स्टेबलाइजेशन की बात करें तो दोनों में ही आपको काम चलाओ स्टेबलाइजेशन मिलता है और यहाँ कोई भी खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद कलर्स की बात करें तो वही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा जो ऑटो मोड पर आप रियर कैमरे के फोटोज़ में देख चुके हो। यानी अननेसेसरी येलो टोन आपको नारो 20 के वीडियोस में शो होगी। हालांकि रियलमी सी 15 का वीडियो भी एकदम पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों को आपस में कंपेयर करें तो उस कंडीशन में नारो 20 में कलर्स बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू रियलमी सी 15। रियलमी सी 15 में फिर भी कलर्स नेचुरली काफ़ी मेंटेन रहते हैं। ओवरऑल अगर 60 FPS का डिफरेंस हटा दें तो आउटडोर में वीडियोग्राफी के लिए रियलमी सी 15 आपके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है एज़ कम्पेयर टू नार्जो 20। डिटेलिंग में दोनों ही डिवाइसेज यहाँ एकदम अच्छा परफॉर्म करते हैं। स्लो मोशन वीडियो की बात करें तो कुछ ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। रियलमी सी 15 का स्लो मोशन का वीडियो लगता भी नहीं है कि एक स्लो मोशन का वीडियो है, जबकि नार्जो 20 का वीडियो फिर भी रियलमी सी 15 से ज़्यादा स्लो है। इसके अलावा दोनों ही डिवाइसेस का ये जो स्लो मोशन वीडियो है यहाँ कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता। कलर्स यहाँ पर नार्जो 20 में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू रियलमी सी 15। दोस्तों यही था मेरा Realme C15 और Narzo 20 के बीच कैमरा कंपैरिजन। सारी चीज़ें मैंने आपको वन बाई वन बता दी। अब सिंपल सा यही है कि ना तो पूरी तरह से Realme C15 का कैमरा Narzo 20 से बेहतर है और ना ही Narzo 20 का कैमरा पूरी तरह से Realme C15 से बेहतर है। फ्रंट कैमरे में तो दोनों की परफॉर्मेंस लगभग सेम है। रियर कैमरे के ऑटो मोड में Realme C15 ज़्यादा बेहतर लगा तो पोर्ट्रेट मोड में Narzo 20। अल्ट्रा वाइड फोटोज़ में दोनों ही लगभग सेम है, नाइट मोड में या फिर लो लाइट फोटोग्राफी के लिए Narzo 20। तो अपने यूज के अकॉर्डिंग आप खुद डिसाइड करिए कि आपके लिए कौन सा कैमरा बेहतर है। वैसे जो चार कैमरे का जो ड्रामा है रियलमी C15 में उसका कोई बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ कैमरा परफॉर्मेंस में देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों मुझे मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है धर्मेश, आप देख रहे हो फोन इन दी। अगले वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।